नमस्कार। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में सबसे पहली बात हम करते हैं, किसी भी मैटर की तीन तरह की फेजेस अपन डिफाइन करते हैं, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और गैसियस फेज। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बेसिकली हमें बात करनी है सॉलिड मटेरियल्स के बारे में। अब सॉलिड मटेरियल है, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? एक जनरल डेफिनेशन यदि हम दें किसी सॉलिड मटेरियल की, तो हम कहें कि भाई ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन कैसा रहे, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे, वो हमारे पास कैसे मटेरियल कहलाएंगे? सॉलिड मटेरियल कहलाएंगे। सॉलिड मटेरियल है, उनकी जो व्याख्या की जाती है, इंटरप्रिटेशन जो किया जाता है, बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज अपने पास आती हैं। एक तो आती है इन मटेरियल्स की हार्डनेस, कि मटेरियल कितना हार्ड है। ठीक है, दूसरी बात आती है अपने पास इसकी दृढ़ता या इसकी रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर इम्पोज किया और हम कहें कि भाई उसकी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के अंदर कितना चेंज आया, या उसकी रिजिडिटी आ गई। और थर्ड पार्ट आता है अपने पास उसकी इनकम्प्रेसिबिलिटी, या हम कह दें संपीड्यता के आधार पर, या तीसरी बात हम कह दें किसके आधार पर, कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सॉलिड मटेरियल को इंटरप्रेट करने के लिए तीन जनरल और बेसिक उसकी प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम कहते हैं कि भाई किसी ठोस पदार्थ को या किसी सॉलिड मटेरियल को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सॉलिड मटेरियल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो मटेरियल कहलाता है कौन सा, क्रिस्टलीय या क्रिस्टलाइन। एक तो कहलाता है क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, और एक कहलाता है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, या हम कह दें अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, बिल्कुल जनरल डिफरेंस है। यदि हम कह दें कि भाई किसी भी सॉलिड के जो कॉन्स्टेंट जो अपने पास पार्टिकल्स हैं या जो एटम्स हैं, वो यदि एक रेगुलर और एक पीरियोडिक अरेंजमेंट में यदि हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हमारे पास जो सॉलिड का जो टाइप होगा वो कैसा होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, जिसको हम आगे इंटरप्रेट करेंगे। और यदि हम कहें कि जो कॉन्स्टेंट एटम्स जो हैं, वो यदि एक रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट में अवेलेबल नहीं है, एक अनियमित संरचना बनाते हैं, तो अपने पास जो मटेरियल कहलाएगा, जो सॉलिड कहलाएगा, कैसा कहलाएगा, अमॉर्फस सॉलिड कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल दे दें, रबर का हम एग्जांपल दे सकते हैं, और भी हम कहें एग्जांपल दे दें, हम किसका एग्जांपल दे दें, प्लास्टिक आ गया। ये बेसिकली हमारे पास कैसे कहलाते हैं, अमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल हैं। इसी तरीके से यदि क्रिस्टलाइन सॉलिड का अपन एग्जांपल दें, सबसे अच्छा एग्जांपल आ गया हमारे पास डायमंड आ गया, या हम कह दें सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल आ गया, या हम कह दें KCl भी हमारे पास इसी का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो हमें बेसिकली जो बात करनी है, वो बात करनी है किसके बारे में, क्रिस्टलाइन मटेरियल के बारे में या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम कहें कि भाई किसी क्रिस्टल को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, हाउ यू कैन डिफाइन ए क्रिस्टल। तो किसी क्रिस्टल को डिफाइन करने के लिए बेसिकली दो चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है, पहली चीज़ लैटिस और दूसरी चीज़ है हमारे पास बेसिस। तो किसी भी क्रिस्टल को बेसिकली डिफाइन करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्रिस्टल इक्वल्स टू डिफाइन करते हैं हम लैटिस, प्लस में वैल्यू आ गई बेसिस, या हम कहते हैं कि क्रिस्टल इक्वल्स टू, क्रिस्टल जो है वो बेसिकली मिलकर बना है दो चीज़ों से, एक तो कहलाता है जालक और एक कहलाता है हमारे पास आधार। ठीक है, अब जालक को हम कैसे डिफाइन करें, जालक बेसिकली हम कह दें कि भाई किसी आकाश में या किसी स्पेस में जो भी सॉलिड के कॉन्स्टेंट एटम्स जो हैं, उनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स हम डिफाइन करते हैं, बेसिकली वो पॉइंट्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, लैटिस पॉइंट कहलाएंगे या जालक बिंदु कहलाएंगे। दैट मीन्स कि स्पेस में जो अव्यवी कण होंगे ठोस के, उनकी स्थिति को व्यक्त करने के लिए जो बिंदु प्रयुक्त किए जाते हैं, वो बिंदु कहलाते हैं जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम कहें कि
कि यदि इन जालक बिंदुओं के इन लैटिस पॉइंट्स की यदि थ्री डायमेंशनल स्पेस में यदि हम बार बार इनका रेपिटेशन करें, बार बार इनको रिपीट करें एक रेगुलर अपने पास मैनर में, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर हमें हमारे पास क्या कहलाएगा, लैटिस स्ट्रक्चर कहलाएगा या जालक संरचना कहलाएगी। यदि हम कह दें लैटिस पॉइंट का रिपीटेशन यदि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हैं, किसी एक निश्चित दिशा में कर रहे हैं, वन डी वन डायमेंशन में यदि आप कर रहे हैं, तो जो जालक हमें मिलेगा वो जालक हमें कैसा मिलेगा, रेखीय जालक मिलेगा या लीनियर लैटिस मिलेगा। और यदि इन लैटिस पॉइंट्स का रिपीटेशन यदि हम टू डायमेंशन में कर रहे हैं, तो जो हमें लैटिस मिलेगा वो लैटिस हमें कैसा मिलेगा, एक समतल या एक प्लेन लैटिस मिलेगा। और यदि यही रिपीटेशन हम थ्री डायमेंशन में करें तो जो लैटिस मिलेगा वो कैसा लैटिस कहलाएगा, थ्री डी लैटिस कहलाएगा या त्रिबीम जालक कहलाएगा। तो जालक बिंदुओं की बार बार पुनरावृत्ति से जालक संरचना का निर्माण होता है। एक चीज़ हम और क्लियर करें यहाँ कि जालक संरचना है, जैसे हम ये कह रहे हैं कि भाई ठोस या क्रिस्टलाइन मटीरियल का निर्माण जो है वो जालक और आधार से मिलकर होता है। किसी भी ठोस में जालक संरचना बेसिकली एक फिक्टिशियस या हम कह दें एक काल्पनिक एक तरीका है, जो इस सिर्फ एक मैथमेटिकल मेथड है जिसके द्वारा हम लैटिस पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग हम ठोस पदार्थ के अवयवी कणों की स्थिति को हम व्यक्त करते हैं। तो जालक संरचना हम ये नहीं कह सकते कि भाई किसी ठोस पदार्थ में या किसी सॉलिड मटेरियल में जालक संरचना पाई जाती है। जालक संरचना है सिर्फ एक काल्पनिक एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम सॉलिड में उसके जो अवयवी कण होंगे या जो अपने पास उसके एटम्स होंगे उनकी स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। तो पहली बात होगी हमारे पास लैटिस या लैटिस पॉइंट्स की। दूसरी बात आती है आधार, आधार या बेसिस। बेसिस हम कह रहे हैं कि भाई जो भी हमने लैटिस पॉइंट बनाया है अगर इस लैटिस पॉइंट के साथ हम ठोस पदार्थ के एक एक परमाणु को हम जोड़ दें, या हम कह दें कि ये जो स्ट्रक्चर जो परमाणु हम जोड़ रहे हैं सिंगल एटम भी हो सकता है या एटम्स का कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी हो सकता है। तो एटम्स को या एटम्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को ही हम क्या कहेंगे, बेसिस कहेंगे। तो इस एटम या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो जब इन लैटिस पॉइंट्स के साथ जुड़ जाएगा तो जुड़ने के बाद हमारे पास क्या बनेगी, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। ठीक है, अब हमने जैसे एग्जांपल का रेखीय जालक लीनियर लैटिस, यदि हमने एक लैटिस हमने डिफाइन कर दिया या एक लैटिस पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया, हमने कहा कि अगर इस लैटिस पॉइंट की वन डायमेंशन में दिया बार बार आप रिपीटेशन कर रहे हो, बार बार रिपीटेशन मतलब यहाँ से आप सपोज दैट इस पॉइंट पर चले गए, यहाँ से आप दोबारा इस पॉइंट पर चले गए, यहाँ से आप दोबारा इस पॉइंट पर चले गए। सपोज दैट मैंने कह दिया ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, ए है, रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए, रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 2a आ गई, ये डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास, 3a आ गई। तो इसका मतलब एक पॉइंट से वन डायमेंशन में हम सभी पॉइंट्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी हम ट्रांसलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। उस ट्रांसलेशन को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ कि t इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू ले ली हमने, जैसे मैंने डिफाइन कर दिया n1 और डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम कह रहे हैं, तो हमने कह दिया t इक्वल्स टू वैल्यू आ गई n1a। ठीक है, इसी तरीके से यदि लैटिस पॉइंट का रिपीटेशन दो डायरेक्शंस में है, यदि उसका रिपीटेशन है, सपोज दैट ये डायरेक्शन मैंने कह दिया अपने हमारे पास क्या है, ए वेक्टर आ गया, और ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन कौन सी आ गई, बी वेक्टर आ गया। तो ट्रांसलेशन वेक्टर है उसी को हम क्या डिफाइन करेंगे कि टी वेक्टर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई n1a आ गया प्लस वैल्यू आ गई n2 आ गया और वैल्यू आ गई बी आ गया। n1 और n2 हैं ये हमारे पास क्या हो गए, इंटीजर वैल्यू होंगी यानी पूर्णांक वैल्यू होंगे। ठीक है, इसी तरीके से यदि लैटिस पॉइंट का रिपीटेशन थ्री डायमेंशन में हम कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन वेक्टर कितना आ जाएगा, टी इक्वल्स टू वैल्यू आ गई n1 आ गया, a आ गया प्लस n2 आ गया, b आ गया और प्लस वैल्यू आ गई n3 आ गया और c आ गया। ठीक है, n1, n2, n3 ये हमारे पास कैसी वैल्यू होंगी, पूर्णांक वैल्यू होंगी या इंटीजर वैल्यू होंगी। a, b और c जो हम डिफाइन कर रहे हैं, a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर है, इसको आप कई नामों से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। हम इनको कह सकते हैं प्रिमिटिव वेक्टर्स, है ना, या अभाज्य सदिश, या हम इनको कह सकते हैं
बेसिस वेक्टर्स है ना, दोनों एक ही बात है, किसी भी तरीके से आप इसको डिफाइन करें। तो ट्रांसलेशनल वेक्टर जो है वो हमने डिफाइन कर दिया n1a प्लस n2b प्लस वैल्यू आ गई n3c। अब इस ट्रांसलेशन वेक्टर का यूज़ क्या है? यूज़ मतलब जैसे हमने कहा कि भाई एक लैटिस स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया, लैटिस स्ट्रक्चर सपोज दैट हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया, जैसे ये हमने कह दिया कि भाई लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये लैटिस पॉइंट आ गए, ठीक है। जैसे मैं एक टू डायमेंशन लैटिस का एग्जांपल ले लूं, ये डायरेक्शन मैंने कह दी कौन सी आ गई, ए सदिश, ये डायरेक्शन मैंने कह दी कौन सी आ गई, बी सदिश। और यदि मुझे इस पॉइंट के ऊपर जाना है ना, इस वाले पॉइंट के ऊपर हमें जाना है, तो हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, कितना ट्रांसलेशन होगा, टी इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितनी, कितना, वन और वैल्यू आ गई ए, वन और ए, और साथ में हमें कितना चलना पड़ेगा, प्लस में वैल्यू आ गई वन और वैल्यू आ गई बी। तो ये इसका हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर आ गया। यदि मैं कह दूं किसी डायग्राम को सपोज दैट इसकी बजाय हमें सपोज दैट इस लैटिस पॉइंट की बजाय इस लैटिस पॉइंट पे जाना है, तो आप ट्रांसलेशन वेक्टर क्या डिफाइन करोगे, हमें चलना पड़ेगा इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी वैल्यू आएगी ट्वाइस और वैल्यू आ गई ए, प्लस वैल्यू आ गई वन और डॉट में वैल्यू आ गई बी। अब यदि मैं कह दूं कि लैटिस स्ट्रक्चर सपोज दैट हमने कह दिया कि एक एक लैटिस पॉइंट यहाँ और अवेलेबल है, इसके सेंटर में यहाँ एक एक लैटिस पॉइंट और अवेलेबल है, तो हमें सपोज दैट इस पॉइंट पर जाना है, इस पॉइंट पर जाना है, इसका मतलब कितने डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेंगी, डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेंगी टी इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, कितना आ गया वन और वैल्यू आ गई कितना ए बाई टू, और प्लस में वैल्यू आ गई वन और वैल्यू आ गई बी बाई टू। तो देखो इसको डिफाइन करने का तरीका है वन बाई टू या वन डॉट ए बाई टू और प्लस में वैल्यू आ गई वन डॉट बी बाई टू, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई एन वन एन टू एन थ्री हमेशा क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। अगर वो पूर्णांक हैं तो वो बेसिकली डिफाइन कहलाएंगे परमिटिव वेक्टर्स, और यदि वो पूर्णांक नहीं हैं, इंटीजर वैल्यूज नहीं हैं, तो वो कहलाएंगे नॉन परमिटिव वेक्टर्स। ये हमने एग्जांपल लिया 2D का। अब जैसे और एग्जांपल हम कह दें, सपोज दैट इस लैटिस पॉइंट के लिए हमें ट्रांसलेशन वेक्टर डिफाइन करना है, तो हम क्या करें, इस पॉइंट पर जाने के लिए हमें कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस हमें ट्रैवल करनी पड़ेगी और उसके साथ ये डिस्टेंस भी ट्रैवल करनी पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी ए बाई टू और ये डिस्टेंस कितनी होगी बी बाई टू। सपोज दैट मैंने कह दिया इस लैटिस पॉइंट का सपोज दैट पोजिशन वैक्टर कह दिया मैंने आर है, तो यही ट्रांसलेशन वैक्टर डिफाइन किया जाएगा, वैल्यू आ गई आर वैक्टर प्लस में वैल्यू आ गई कितना, वैल्यू आ गई ए बाई टू और प्लस में वैल्यू आ गई वन और वैल्यू आ गई बी बाई टू। तो इसका मतलब अगर किसी एक पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट का यदि हमें पोजिशन वैक्टर पता है, तो उस लैटिस पॉइंट से पूरे क्रिस्टल लैटिस के हर लैटिस पॉइंट का वेक्टर हम डिफाइन कर सकते हैं, या हर लैटिस पॉइंट की पोजीशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टी वेक्टर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, अगर किसी पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर आर है, तो वैल्यू कितनी बनी, टी इक्वल्स टू वैल्यू आ गई आर प्लस वैल्यू आ गई एन वन ए प्लस वैल्यू आ गई एन टू आ गया बी आ गया प्लस में वैल्यू आ गई एन थ्री और वैल्यू आ गई सी। किसी भी स्पेस लैटिस की सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही है कि आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं, कोई भी रोटेशन आपको नहीं मिलेगा, हर डायरेक्शन में आपको जो अरेंजमेंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, रेगुलर मिलेगा। जैसे हम एग्जांपल कहें कि भाई घर में आप दीवार हम बनाते हैं, तो ईंटों से दीवार बनती है, तो ईंटों का हमारे पास एक रेगुलर अरेंजमेंट है, वो मिलकर क्या बना रहा है अपने पास, एक रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट बना रहा है या एक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो सेम इसी तरीके से हम लैटिस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। ये एग्जांपल हमने 2D का एग्जांपल लिया या टू डायमेंशंस का एग्जांपल लिया। अब यदि मैं कहूं कि एक 3D का हम एग्जांपल लें कि 3D में हम लैटिस वैक्टर या ट्रांसलेशन जो वैक्टर हम डिफाइन कर रहे हैं उसको हम कैसे निकालें। हमने कहा कि टी इक्वल्स टू वैल्यू हमने कह दी n1a आ गया प्लस में वैल्यू आ गई n2b आ गया और प्लस में वैल्यू आ गई n3 और वैल्यू आ गई c। और यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर है और यदि उसके कोरस्पॉन्डिंग यदि हम निकालें, तो हम क्या कह दें n1a n2b और प्लस में वैल्यू आ गई n3c। 3D में यदि हम एग्जांपल लें, ये सपोज दैट हमने एक एग्जांपल ले लिया, 3D सेल का एग्जांपल ले लिया इस तरीके से, ये एक 3D सेल बना दी हमने ना, ये एक 3D सेल बना दी। अब इस सेल में सपोज दैट ये एक प्लेन और बना देता हूँ मैं बीच में, ये एक प्लेन और बना दिया, ठीक है। अब एक एटम यहाँ अवेलेबल है,
ये एटम्स की पोजीशन आ गई, ये जो है ये एटम्स की पोजीशन आ गई, ठीक है। अब सपोज दैट मैंने कह दिया एक डायरेक्शन मैंने डिफाइन कर दिया ए वेक्टर, दूसरी डायरेक्शन में डिफाइन कर दिया बी वेक्टर और तीसरी डायरेक्शन में डिफाइन कर दिया सी वेक्टर। अब सपोज दैट मैंने कह दिया कोई भी पॉइंट मैंने डिफाइन कर दिया, सपोज दैट ये पॉइंट आ गया पी, ये पॉइंट सपोज दैट मैंने कह दिया क्यू, और यदि हम मुझे इस लेटेस्ट पॉइंट की पोजीशन को कैलकुलेट करना है, ओरिजिन मैंने कौन सा लिया, किस पॉइंट के रेफरेंस में, इस पॉइंट के रेफरेंस में अपन ने कैलकुलेट किया, किसी भी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, जैसे ट्रांसलेशन, अगर ये ओरिजिन है इससे इस पॉइंट पर जाना है तो ट्रांसलेशन वेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट से अगर हम इस पी पॉइंट पर जाना चाहते हैं तो ट्रांसलेशन वेक्टर हमारे पास देखो कितना बनेगा, टी इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, सबसे पहले अपन आए इस पॉइंट पर तो इक्वल्स टू वैल्यू आ गई वन आ गया, डॉट एंड वैल्यू आ गई ए, यहाँ से गए हम इस पॉइंट पर और यहाँ से गए हम इस पॉइंट पर, तो एक वैल्यू कितनी बनी बी बनी, तो हमें कितना चलना पड़ेगा, वैल्यू आएगी ट्वाइस आ गया और वैल्यू आ गई बी आ गया। और यदि हम जाना चाहते हैं कौन से पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर जाना चाहें, तो ट्रांसलेशन वैक्टर कितना बनेगा, टी इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी वन आ गया, डॉट में वैल्यू आ गई ए, प्लस में वैल्यू आ गई टू आ गया, डॉट में वैल्यू आ गई बी, और पी से जाना है हमें क्यू पर, तो ये डिस्टेंस हमने कितनी ली, सी से हमने डिफाइन किया, तो वन डॉट में वैल्यू आ गई सी। तो ये बेसिकली हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर आता है। तो क्रिस्टल लैटिस में लैटिस पॉइंट जो है या लैटिस स्ट्रक्चर जो है वो कभी भी किसी ठोस के अंदर नहीं पाई जाती, लैटिस स्ट्रक्चर है वो एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अवयवी कणों की या कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की या कॉन्स्टेंट एटम्स की पोजिशंस को हम डिफाइन करते हैं। ट्रांसलेशन वेक्टर हमारे पास एक ऐसा मेथड है कि एक लैटिस पॉइंट से पूरे क्रिस्टल लैटिस के जितने पॉइंट्स हमारे पास उसमें अवेलेबल हैं हर पॉइंट की पोजीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बात आती है यूनिट सेल और परमिटिव सेल, एकक कोष्ठिका और अभाज्य कोष्ठिका। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।